वंदे मातरम, वंदे मातरम। दोस्तों, एंजल की रसोई में आपका स्वागत है। आज हमारा देश आजाद हुआ है, तो आपको बहुत सारी बधाइयां हो। जैसे ही हमारे तिरंगे के तीन कलर रहते हैं, उसी तरह मैंने आज चॉकलेट की रेसिपी बनाई है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। भारत माता की जय। तो देखिए, हमारे तिरंगे के तीन कलर जो शान रहते हैं हमारी, वैसे ही तीन कलर के चॉकलेट बनाए मैंने। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया हो तो माफी चाहती हूँ। तो ये है हमारे चॉकलेट बनाने की सामग्री। रोज पेटल लिया है मैंने, थोड़े से चॉप किए उसको, और वाइट चॉकलेट लिया है मैंने 180 ग्राम। दोस्तों, हम कलरफुल बना रहे हैं इसीलिए हमें वाइट चॉकलेट ही चाहिए। और चेरीज ली है मैंने थोड़ी सी चॉप करके 2 से 3। ये बहुत ही बढ़िया चॉकलेट बनती है दोस्तों। अगर आप वाइट में भी बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं। अब तीन कलर है तो उसके लिए मैंने लिया है ऑरेंज फूड कलर और ग्रीन फूड कलर। सन सीड्स लिए मैंने, वाटरमेलन सीड्स लिए मैंने, दोनों ही आधी आधी स्पून ली है सिर्फ। और लिक्विड कलर लिया है मैंने, ऑप्शनल है, आप ड्राई कलर भी डाल सकते हैं। अब मेरे पास चॉकलेट थोड़ी कम लग रही थी तो इसीलिए मैंने मिल्क पाउडर लिया है। अगर आपके पास चॉकलेट पूरी है तो आप मिल्क पाउडर अवॉइड कर सकते हैं। साथ में ही मैंने ओट्स लिया है। ओट्स जो है मिल्क को सोक करता है, इसीलिए मैंने ओट्स लिए हैं, क्योंकि फिर चॉकलेट बाइंड नहीं होएगी और कड़क नहीं होएगी। तो देखिए, मैंने डबल बॉयलर लिया है और इसके ऊपर हम अपना चॉकलेट का बॉल रख देंगे। ऐसा नहीं है कि कांच का ही बर्तन चाहिए, आप चाहे तो स्टील के बर्तन में भी चॉकलेट मेल्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो 30 सेकंड के लिए आप उसमें ही मेल्ट, आपका टाइम भी बच जाएगा और मेहनत भी नहीं लगेगी। तो ये इसमें धीरे धीरे होएगा, तो हमें वेट करना पड़ेगा। दोस्तों, अभी आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मैं एक हाथ से ही वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ में मोबाइल पकड़ा है मैंने। तो देखिए, मिल्क पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा चॉकलेट मेल्ट होगा, उसके बाद हम अच्छे से इनको मिक्स करेंगे दोनों को। जल्दी ही मेल्ट हो जाएगा क्योंकि पानी नीचे से बहुत उबल गया है। तो ये देखिए, चॉकलेट और मिल्क पाउडर दोनों ही मेल्ट हो चुके हैं। अब हमें इनको तीन पार्ट में डिवाइड करना है, तो उसके लिए मैंने लिया है 2 बाउल अलग से, और वाइट कलर का हम इसमें ही रहने देंगे। दोस्तों, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी ये चॉकलेट, बच्चों को क्या, आपको भी बहुत पसंद आएगी। और चॉकलेट का तो हर कोई दीवाना रहता है। तो देखिए, मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिए हैं, 2 बाउल मैंने लिए हैं और वाइट उसमें ही रखी है मैंने। अब इनमें हम एक में ग्रीन फूड कलर डालेंगे और दूसरे में ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। और आप चाहे तो अपनी टेस्ट अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, वॉलनट हुए, चाको चिप्स हुए, जो आपको पसंद हो दोस्तों आप वो डाल सकते हैं। मैंने वाइट चॉकलेट के हिसाब से रोज पेटल चूज़ किया है और सन सीड्स भी चूज़ किया है, क्योंकि वो भी ग्रीन है तो वो भी अच्छे ही दिखते हैं वाइट चॉकलेट में, चेरीज भी अच्छी दिखती है। तो देखिए, हमने सब डाल दिया। इसमें हम ओट्स बिल्कुल थोड़े से ही डालेंगे, ज़्यादा अच्छे से मिक्स करके। और ये देखिए, मैंने बटर पेपर के ऊपर फैला दिए हैं। बटर पेपर पे कोई ऑयल या बटर ग्रीस नहीं किया है, बस सिंपली मैंने फैला दिया है। और आधे घंटे के लिए हमें इसको फ्रिज में रख देंगे। आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने बढ़िया सेट हो चुके हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं। वाइट चॉकलेट थोड़ी मैंने ज़्यादा रखी थी तो इसीलिए वाइट चॉकलेट 2 बनी है। तो ये देखिए, बनके रेडी हो चुके हैं। अब बारी आती है बटर पेपर से निकालने की, और आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं कवर करके रख के, बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं और बच्चों को ऐसे ही खाने के लिए भी दे सकते हैं। देखिए कितने जल्दी सेट हो गए हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।
मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, ऐसे ही मुझे ब्लेस करते रहिए जैसे मैं आपके लिए न्यू रेसिपियाँ अपलोड करती रहूं। और एक बार फिर दिल से कहिए वंदे मातरम, जय हिंद भारत माता की जय।